अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी चिकन मसाला मेरे स्टाइल में। तो आ जाओ इसकी रेसिपी देखते हैं। तो इधर पे हमने गैस को ऑन कर दिए हैं और उसके ऊपर रखी हूँ एक मैंने कढ़ाई। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। मैं इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालूंगी। मैंने इसमें 1 तेज पत्ते का टुकड़ा, 2 दालचीनी, 10 से 12 लौंग, 10 से 12 काली मिरी और 1 इलायची ली हो। दो मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है, वो भी डाल देंगे। प्याज को हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है। प्याज का कलर जब गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 किलो चिकन, 1 किलो चिकन डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक का इसे ढककर पका लेंगे मीडियम गैस पे। तो एक बार हम चेक कर लेंगे। अभी इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने बारीक कटिंग करके ली हूँ, वो भी डाल देंगे। गैस को फास्ट रखेंगे। दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपने अंदाज से डालिए आप। एक पैकेट चिकन मसाला, ये बादशाह का चिकन मसाला मैं यूज कर रही हूँ। ये वाला, ये मैंने पूरा एक पैकेट डाली हूँ। सारे मसाले डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि हमारे टमाटर को, प्याज का, सबका पानी छूटेगा, उसी में हम चिकन को अच्छी तरह से गला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट तक का हम ढक के पका लेंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए कलर एकदम अच्छा आया है, चिकन भी अभी हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। मैं इसमें 1/2 कप दही डाल रही हूँ। दही को अच्छे से फेंक लेना है, उसके बाद ही हमें डालना है। दही डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और जितना हमें ये जैसे कि पतला दिख रहा है तो इसका पूरा हम पानी सुखा लेंगे, इसे सूखा कर लेंगे। गैस को हमें फास्ट कर लेना है। मैं इसमें 4 लाल मिर्च डाल रही हूं।
और 10 मिनट तक का इसे ऐसे ही पका लेना है। इसका पानी पूरा एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। हाँ, ये ड्राई रेसिपी है, इसलिए अभी हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे, इसे खुला ही रखेंगे। अगर ढक्कन रख देंगे तो फिर उसके ऊपर ऑफिस से मतलब जैसे कि पानी छूटने लगेगा, तो अभी इसका पानी हमें सुखाना है ना। तो ये देखिए एकदम ड्राई हो चुका है, ये देखिए है ना, अभी ये एकदम रेडी हो चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल लेंगे थोड़ा सा, मस्त एकदम मस्त लग रहा है ना। अभी इसे हल्के से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। मैं आप लोगों को सर्व करके बताती हूँ। तो ये हमारा स्पाइसी चिकन मसाला हो चुका है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ और दुआ में याद रखना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। अल्लाह हाफिज, आ जाओ खाने के लिए।